दरअसल uh, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा रहा दोनों जजेस के साथ और रेमो को तो मैं कई बरसों से जानती हूँ सो इट वाज ग्रेट फन ज़्यादातर हम पूरे सेट पर uh, मस्ती मज़ाक बहुत करते थे और बहुत सारी uh, क्या कहते हैं स्पेशल मोमेंट्स भी कभी कभी प्लान करते थे और काफ़ी सारे रील्स बनाते थे सो इट वॉज़ मोर लाइक फ़न एंड ऑफकोर्स फिर शो अपनी जगह पर था और जजिंग भी uh, जारी थी सच कहूँ तो काफ़ी सारी यादगार मोमेंट्स थी एक कहना नामुमकिन होगा बिकॉज कहीं ना कहीं आप आ... इन सुपर मॉम्स की इस पूरी जर्नी का एक हिस्सा बन जाते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो छोटे छोटे विक्ट्रीज़ हैं विन्स हैं उनका भी हिस्सा बन जाते हैं उनकी ज़िंदगियों से जुड़ जाते हैं उनकी uh, मुश्किलतों से जुड़ जाते हैं तो उनके साथ हंसते हैं रोते हैं तो एक मोमेंट बोलना नामुमकिन है कई बार uh, आँखों में आंसू आए हैं और कई बार uh, बहुत बुरा भी लगा है जब कुछ कंटेस्टेंट्स हम में से चली गई क्योंकि उन्हें कम वोट्स मिले थे और आज भी एक बहुत हैप्पी और प्राउड मोमेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं किचन से निकली हुई ये औरतें आज एक इतना बड़ा लंबा सफर तय करके सारे इंडिया के सामने अपने आप को एक स्टार के तौर पर प्रेजेंट कर पाई हैं सो इट्स इट वॉज ग्रेट ये फिनाले में हमने आ, मतलब मैं क्या कहूँ कि ये फिनाले इसलिए अलग था क्योंकि इसके कंटेस्टेंट्स अलग थे उनकी कहानियाँ अलग थी आ, उनके स्ट्रगल्स बहुत आ, रियल और बह, बहुत ही अलग थे क्योंकि एक आ, महिला जो आ, शादी के कई बरस बाद आ, बच्चा होने के बाद भूल सी जाती है कि उसकी खुद की भी ख्वाहिशें थी सपने थे कुछ भी करने की चाह थी कहीं ना कहीं एक बार फिर सोचती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और उस चाह से उस शिद्दत से काम करती है मेहनत कर है अपने आप को इतनी दूर तक ले आती है तो ऑडियंस तक ये सारी उनकी चीज़ें पहुँचाना अपने आप में उसी उसी तौर पर मुझे लगता है ये आ, जो फिनाले है वो बहुत अलग है क्योंकि उनमें हर में कहीं ना कहीं लोगों को अपना खुद का जिंदगियां नज़र आएंगी अपनी मुश्किलें अपने स्ट्रगल्स नज़र आएंगे और मुझे लगता है इस हिसाब से ये वाकई सबके दिलों तक ज़्यादा करीब तक जाने वाला ऐसा फिनाले रहेगा फ़िलहाल स्पेशल में जजेस को दरअसल ब्लैक और गोल्ड ये थीम दी गई थी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे जजेस ब्लैक और गोल्ड में ही थे और मेरा जो ये लुक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इंडो वेस्टर्न हमने रखा था और फिर उसमें थोड़ा सा एक इजिप्शियन टाइप ऑफ बहुत ही क्लियो पात्रा काइंड ऑफ लुक था तो इंडो वेस्टर्न से ज़्यादा मैं कहूँगी थोड़ा यू नो इजिपन एंड इंडियन ऐसा कुछ एक मिक्सर सा लुक था ऑल माई एक्सेसरीज़ हैव बीन स्पेशली थाट ऑफ फॉर द शो एंड एवरी थिंग इज़ क्वाइट स्पेशल एंड ग्रैंड और मुझे ऐसे लगता है कि इतने ग्रैंड एपिसोड के लिए इतना ग्रैंड लुक तो बनता है एक बहुत ही बेहतरीन सफ़र मेरा रहा है आप सब की दुआओं के साथ आप सबके सपोर्ट के साथ और मैं प्रार्थना करती हूँ मनोकामना करती हूँ कि ये आपका और मेरा सफ़र इसी तरह जारी रहे क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं आपकी दुआओं से और आपके सपोर्ट से आज तक ज़िंदगी में मैं जो भी बन पाई हूँ बन पाई हूँ तो बस यही सपोर्ट यही प्यार इसी तरह बरकरार रखिए मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएँ और नवरात्रि के आने वाले शुभ दिनों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देवी माँ के चरणों में प्रार्थना है कि हम सबके जिंदगियों में खुशहाली और बहुत बहुत खूबसूरत समय लाएँ